दिलल एंड टॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं ललन टॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा ललन टॉप क्विज लाइव ललन टॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। उनतीस अक्टूबर को ईयू सांसदों का कश्मीर में पहला दिन था। शाम को कुलगाम जिले के कतरासू गांव के किराए के घर में कुछ लोगों ने दस्तक दी। घर में पश्चिम बंगाल से आए लोग थे जो मजदूरी के लिए कश्मीर आए थे। दरवाजा खोलने पर मजदूरों ने अपनी दहलीज पर आतंकवादियों को देखा। इसके बाद आतंकवादियों ने मजदूरों को उनके घर से तकरीबन 200 मीटर दूर एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी। 5 मजदूरों की तुरंत मौत हो गई और एक मजदूर को मरा मानकर आतंकवादी वहां से चले गए। रात 8 बजे पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली। कश्मीर में राज्य से बाहर के लोगों पर यह छठा जानलेवा हमला था जो हाल के दिनों में हुआ। 14 अक्टूबर को राजस्थान के एक ट्रक ड्राइवर की हत्या करके उसके ट्रक को आग लगा दी गई। 16 अक्टूबर को पुलवामा के पास छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की हत्या हुई। 16 अक्टूबर को ही शोपियां में पंजाब से आए एक फल व्यापारी की हत्या हुई। व्यापारी के दोस्त को भी गंभीर रूप से घायल किया गया। 24 अक्टूबर को शोपियां में 2 और ट्रक ड्राइवर्स की हत्या हुई। ये सारे हमले दक्षिण कश्मीर में हुए हैं और मरने वालों की कुल संख्या 11 हो गई है। 29 अक्टूबर को हुए हमले में मारे गए नईमुद्दीन शेख, मुस्लिम शेख, रफीकुल शेख, रफीक शेख और कमरुद्दीन शेख मुर्शिदाबाद के एक ही गांव से आते थे, बहलनगर। हमले में घायल जोहरुद्दीन सरकार भी इसी गांव से आते हैं। हमले के बाद सेना, जम्मू और कश्मीर पुलिस और राज्य की दूसरी एजेंसियों ने आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़ा अभियान चलाया है। भारतीय राजनीति के लेफ्ट राइट सेंटर माने हर कोने से इस नरसंहार की आलोचना हो रही है। माने कोई तो मुद्दा है जिस पर तू-तू मैं-मैं नहीं हो रही, लेकिन ये एकता का संदेश उस डर को नहीं ढक पा रहा जो इस तरह के हमलों से सामने आ रहा है। कश्मीर में संघर्ष का लंबा इतिहास है। उग्रवादी कहें या आतंकवादी, अगर अपनी मांग मनवाने के लिए राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को निशाना बनाने लगेंगे तो कश्मीर में हिंसा एक नया रूप ले लेगी जो पहले से विभत्स होगा। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर हमले हुए हैं। इसके अलावा सेना, पुलिस या किसी तरह सरकार से जुड़े लोगों पर हमले होते हैं, लेकिन इस तरह आम लोगों को घर से बाहर घसीटकर गोली मारने की घटनाएं कश्मीर में आतंकवाद का एक नया चेहरा हमारे सामने लाती हैं।